ये जो दिवाली है, दीपावली, दीपोत्सव, लक्ष्मी पूजन, तीन चार अलग अलग टाइप के उत्सव त्यौहार का एक कॉम्बो पैक करते ना, आज के आपके लैंग्वेज में कॉम्बो पैक, ऐसा कॉम्बो पैक ये दिवाली है, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। ओम साई राम। दिवाली का त्यौहार नजदीक आ रहा है, सभी साई भक्तों को आने वाली ये जो दिवाली है, दीपावली, दीपोत्सव, लक्ष्मी पूजन, बहुत सारे तीन चार अलग अलग टाइप के उत्सव त्यौहार का एक कॉम्बो पैक करते ना, आज के आपके लैंग्वेज में कॉम्बो पैक, ऐसा कॉम्बो पैक ये दिवाली है, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। बच्चिया मई के वो जो ब्याही हुई लड़कियाँ अपने मई के आती है, और एक जश्न जैसा वातावरण होता है महाराष्ट्र में, खासतौर पर बहुत अच्छी तरीके से वो दिवाली मनाई जाती है। अब मैं बताऊँ मेरा दिवाली मैं कैसे मनाता हूँ, या तो मैं ये कहूँगा मैं नहीं, कैसी दिवाली हमने मनानी चाहिए। ये जो फायर क्रैकर्स, इसमें फालतू की जो चीज़ें अपने को जिसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे कोई गिफ्ट आते हैं या हम देते हैं, एक ऑब्लिगेशंस या ये रीति के हिसाब से हम करते हैं ये। मुझे लगता है कि हमें अब एक नए सिरे से बाबा की सिख को ये दिवाली के अंदर ढाना है, उसके अंदर मोल्ड करना है, रिमोल्ड। क्या कहा है बाबा ने, भूखे को रोटी, पैसे को पानी। जो फिजूल का खर्चा हम वो क्रैकर पर करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं और पोल्यूशन बढ़ाते हैं ना, और उसमें फिजूल के हमारे खर्चे यानी होते हैं, उसमें अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं होता है। और दूसरी बात, ये जो क्रैकर्स बनाने की जो फैक्ट्रीज है ना, उससे छोटे 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 बच्चे काम करते हैं, बड़ी रिस्क लेते हैं, वो हमें धीरे 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 ये कल्चर खत्म करना है। दूसरी बात और एक करनी है, दिवाली है हमारे पास, जरा क्या बोलते फराड़ बोलते हैं ना उसको, चाय नाश्ते के लिए आ जाइए, तरह तरह के व्यंजन रखे जाते हैं, हालांकि वो व्यंजन हम दो निवाले नहीं खा सकते, लेकिन इतना बड़ा रहता है और बाकी का ऐसा ही पड़े रहता है। जानते हो मैं क्या करता हूँ, मेरे जितने भी पहचानत वाले हैं या मुझे जो जानते हैं, मैं थैली साथ में लेके जाता हूँ। अब उन लोगों को आदत हो गई है, बाबा काका आएंगे तो थैली लेके आते हैं साथ में, मैं जितना अपना दो निवाले खाता हूँ बाकी का सब अपने, तो मेरे हिस्से का जितना है मेरे इसमें डाल देता हूँ थैली में। और ये थैली पुणे का एक छोटा सा इलाका है, झोपड़पट्टी का, ईटी का, बड़े बच्चे ज़रूरतमंद वो दिवाली नहीं मना पाते, उनको साथ में एक 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 पैकेट बना के उनको दे देता हूँ। एज ए बिजनेसमैन मेरे पास जो दिवाली मनाते हैं हम, बच्चों को, वर्कर को, इधर सब देते हैं, और यहाँ एक आश्रम है, आप सो वडू रोड बोलते हैं उसको, वडू से वो आलंदी की तरफ जाते हैं, बहुत सारे आश्रम हैं वहाँ, और वहाँ एक आश्रम बहुत साल से मैं वहाँ जाता हूँ, और दो दिन मिठाई के उनको लेके जाते हैं और मिठाई उनको एक 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 पूरा उनको देकर आते हैं। ये किस लिए, क्योंकि सबको हक है, सबका मालिक एक है, अपने प्रारब्ध के भोगों के वजह से उनको अगर वो दूर है किसी अनाथालय में या अनाथाश्रम में वो पल रहे हैं, ऐसे बच्चे को पहले जाकर खिलाइए, देखो बाबा कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। यही दिवाली हम इसी तरह से मनानी चाहिए, ये मेरा संदेश, मेरी प्रार्थना और मेरी आपसे एकदम हाथ जोड़कर विनती है कि दिवाली को एक नया आयाम दीजिए,
नया स्वरूप दीजिए। बाबा को प्रसन्न कर लेना चाहते हो, बाबा को जो चाहिए वो करिए। बस एक मिला है अपना 10-20 हजार रुपए का बोनस, बच्चों को कपड़े लिए, इसके लिए करो भाई, आपका हक है, आपको करना चाहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जिनके माँ बाप प्रकृति ने पहले ही छीन लिए हैं, ऐसे जो अनाथ आश्रम है वहां जाकर एक दो निवाले उनके मुंह पर डालिए, मुंह में डालिए, इतना आनंद मिलता है क्या बोलो आपको। मैं गए कई सालों से ये उपक्रम चलाता हूँ, और मैं ये नहीं कहता कि मुझे दीजिए और मैं जाऊँगा, नहीं 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 नहीं, आप अपना जाइए, आप अपना जरिया ढूंढिए और अपना अपना करिए। यही प्रार्थना के साथ सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन में खुशियों की घड़ी आए, कुशल मंगल से आपका जीवन व्यतीत हो, और साई भक्ति में वृद्धि हो, श्रद्धा और सबूरी आप में आपके झोले में बाबा डाले। यही कहकर हम आपको अपने साई बाबा की अमृतवाणी, उनकी टेक्निकल टीम और पूरी जो हमारा जो सेटअप है, हमारी जो वर्किंग टीम है, जो आनंद कोटी है, वैभव देवकर है, ऐश्वर्या वर्मा है, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इन सब के तरफ से और पवार काका और परिवार की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम साई राम।